महिंद्रा की स्कॉर्पियो को टेस्टिंग करते हुए देखा गया है और इस गाड़ी में सिक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स और हाई माउंटेड एलईडी टेल लैंप्स मिल जाएंगे। इसमें कंपनी ने 2 लीटर का पेट्रोल इंजन और 2.2 लीटर का डीजल इंजन दिया है। इसके साथ ही इसमें टस्किन इंफोटेनमेंट सिस्टम, फ्लैट बॉटल मल्टीफंक्शनल स्टेयरिंग व्हील, डुअल टोन इंटीरियर, रूफ माउंटेड स्पीकर्स मिल जाएंगे। इसे कंपनी अगले साल तक लॉन्च कर सकती है और इसके साथ ही कंपनी XUV300 के मोर पावरफुल पेट्रोल इंजन पर भी काम कर रही है। इस गाड़ी में कंपनी 1.2 लीटर का TGDI पेट्रोल इंजन देगी जो लगभग 130 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा। इस गाड़ी का जो लॉन्चिंग प्राइस होगा वो लगभग 7,96,000 रुपये होगा। टाटा की पंच को 2 नए ब्लू और ब्राउन कलर में टेस्टिंग करते हुए देखा गया है और ये गाड़ी इस साल दिवाली तक लॉन्च हो सकती है। इसमें मिलेगा कंपनी का 1.2 लीटर का रेवट्रॉन इंजन और इसमें 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटो मैनुअल ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। इंडिया में बहुत ही जल्दी फ्लाइंग कार्स आ सकती हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया है कि उन्होंने विनाता एयरो मोबिलिटी से बात की है और ये बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च हो सकती है। सेकंड जनरेशन होंडा BRV इंडोनेशिया में लॉन्च हो गई है और इसमें 1.5 लीटर का DOHC iVTEC इंजन मिलेगा जो लगभग 118 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा और 145 Nm की टॉर्क और इस इंजन के साथ इसमें कांस्टेंट वेरिएबल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स मिल जाएगा। यामाहा ने अपने एरो X155 को इंडिया में लॉन्च कर दिया है और इसका प्राइस लगभग 1,29,000 रुपये है। इसमें मिलता है 155 cc का पेट्रोल इंजन जो लगभग 14.7 ब्रेक हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 13.9 Nm की टॉर्क और इसमें 14 इंच के अलॉय व्हील्स और 230 Nm की डिस्क ब्रेक्स विद ABS मिल जाएगी। यामाहा की R15 फोर्थ जनरेशन इंडिया में लॉन्च हो चुकी है। इसका प्राइस 1,68,000 रुपये है और इसमें मिलेगा 155 cc का 4 सिलेंडर लिक्विड कूल इंजन जो लगभग 18.1 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करेगा 10,000 RPM पे और 14.7 न्यूटन मीटर की टॉर्क प्रोड्यूस करेगा 7,500 RPM पे। इसकी फ्यूल इंजेक्टर मोटर्स को वेरिएबल वॉल्व एक्चुएटर के साथ पेयर किया गया है और इसमें 6 स्पीड का गियरबॉक्स मिल जाएगा। इस गाड़ी का जो वेट है वो लगभग 142 किलोग्राम है। डुकाटी मॉन्स्टर की प्री बुकिंग स्टार्ट हो गई है और इसकी बुकिंग अमाउंट 1,00,000 रुपये है। इसका प्राइस लगभग 10 से 11 लाख रुपये रहने वाला है और इसमें मिलेगा 937 cc का एल ट्विन इंजन जो लगभग 110 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है और 93 Nm की टॉर्क। गाड़ी में 6 स्पीड का गियरबॉक्स विद क्विक शिफ्टर मिल जाएगा। स्कोडा कुशाक स्टाइल का ऑटोमेटिक वेरियंट लॉन्च होने वाला है। इस गाड़ी में टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, 6 एयरबैग्स और इसमें मिलेगा 1 लीटर का टर्बोचार्ज पेट्रोल इंजन जो लगभग 115 PS पावर प्रोड्यूस करेगा और इसके साथ ही इसमें 1.5 लीटर का टर्बोचार्ज इंजन भी मिल जाएगा जो लगभग 150 PS पावर प्रोड्यूस करेगा। इस गाड़ी के दोनों ही इंजन वेरिएंट के साथ 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन मिल जाएगा जबकि 1 लीटर वेरिएंट के साथ 6 स्पीड का ऑटो टॉप कन्वर्टर और 1.5 लीटर इंजन के साथ 7 स्पीड का डुअल क्लच ट्रांसमिशन मिल जाएगा। इस गाड़ी का जो लॉन्चिंग प्राइस होगा वो लगभग 15.5 लाख रुपये से लेकर 17.5 लाख रुपये रहेगा। रेनो की मगाने रिवील हो चुकी है। ये एक ई-टेक क्रॉसओवर है जो कि कंपनी के CMF EV बेस्ड मॉड्यूलर आर्किटेक्ट प्लेटफॉर्म पर बनेगी। ये गाड़ी 2 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आएगी और इसके लोअर वेरिएंट में 130 हॉर्स पावर की सिंगल मोटर होगी जो लगभग 240 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करेगी और इसके हायर वेरिएंट में 220 हॉर्स पावर की मोटर होगी जो लगभग 300 न्यूटन मीटर टॉर्क प्रोड्यूस करेगी। गाड़ी 0-100 7.4 सेकंड में पकड़ लेगी और इस गाड़ी की टॉप स्पीड होगी वो लगभग 160 किलोमीटर पर आवर होगी। इस गाड़ी की जो रेंज है वो 300 किलोमीटर से लेकर 470 किलोमीटर तक के बीच में वैरी कर सकती है और ये गाड़ी अगले साल फरवरी में लॉन्च हो जाएगी और इसकी जो सेल है वो मार्च के महीने से चालू हो जाएगी।